अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और आज का व्लॉग जो है वो आज का व्लॉग करते हैं किसके नाम, जी हाँ अम्मी के नाम। तो मेरी अम्मी से आप तो पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन जो है मैं आपको दोबारा मिलवाती हूँ थोड़े दिन के बाद, क्योंकि जो है वो अम्मी इद्दत में थी तो इसलिए सामने नहीं आ रही थी। अब जो है वो इद्दत से निकल चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह प्लीज बोल दीजिएगा मेरी अम्मी के बाद जो है वो मेरी सारी जिंदगी, मेरी सारी जो है वो मेरी अम्मी ही है। तो खैर रोना नहीं है, खुशी का है। अम्मी के साथ जो है वो अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे और आप लोगों को जो है वो एंटरटेन करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। तो इसके अलावा जो है वो आज अम्मी के घर आए और हम लोग जा भी रहे हैं दावत में, और फिर अब आपको मिलाते हैं अम्मी से अपनी। तो यहाँ मैं आपको बता चलूँ कि अम्मी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लिया था, एक सूट लिया था और सेलिटेक से और स्टाइलो से अम्मी के लिए एक चप्पल ली थी स्लीपर्स के। अम्मी जो है वो अच्छे तरीके से तैयार होके जाएं। माँ बाप जो हैं वो सारी ज़िंदगी अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो हम तो कोई खाक के बराबर हैं, कुछ भी नहीं कर सकते अपने माँ बाप के। ये रही अम्मी मेरी। अस्सलामुअलैकुम अम्मी, कैसे आप लोग सब, कैसी अम्मी? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजरा टाइम आपका? ऐसा शुक्र है अल्लाह का, जो सांस आ रहा है शुक्र परवरदिगार का। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जो है वो अच्छा गुजरा टाइम। और बहुत मुश्किल होता है लेकिन जो है ये गुजारना तो था इद्दत का टाइम, क्योंकि जो है वो ये मेरे अब्बू के लिए ही था कि इसका सवाब अब्बू को मिलेगा, और अम्मी ने पूरा अच्छे तरीके से निभाया और किया, और आगे भी जो है वो हमारे साथ साथ रहेंगी और हमें दिखाती रहेंगी। आप लोग प्लीज़ मेरी अम्मी को दुआओं में याद रखिएगा, माशाल्लाह कहते रहिएगा। और अभी थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, अभी हम जा रहे हैं, फिर उसके बाद आपसे फिर ज्वाइन करते हैं। और एक और जो है वो खुशी की खबर जो है आपके साथ शेयर करनी थी कि आप लोगों का थैंक्स करना था, शुक्रिया अदा करना था कि मेरा जो है वो चैनल पाकिस्तान से बाहर भी देखा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के सपोर्ट है, मेरे घर की सपोर्ट है, सबकी सपोर्ट है, मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की, मेरे भाइयों की, सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट मौजूद है, और उनकी सपोर्ट की वजह से मैं इतना आगे बढ़ रही हूँ और बढ़ती जा रही हूँ। तो मेरा जो ये व्लॉग है वो पाकिस्तान से बाहर भी देखा जा रहा है, आप लोगों का बहुत दिल से शुक्रिया, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो थैंक यू सो मच। इसके बाद जो है हम अपने खाला के घर गए थे दावत पे माशाल्लाह से, और उन्होंने बहुत अच्छा एहतमाम किया, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। और यहाँ पर जो है वो हम एक दूसरे को, बच्चे मेरे और हम छेड़खानियाँ कर रहे थे, तो बस तस्वीरें वगैरह बनाने बस फिर वहाँ से फ़ारिग होने के बाद रास्ते में ही हमारे वहाँ पर एक हमें ये नज़र आया कि इसकी एक ओपनिंग हुई थी, तो हमने कहा चलो जी यहाँ पर भी चल के देखते हैं ये कैसा बना हुआ है। ये राउंड अबाउट के, सखी हसन की राउंड अबाउट के पास जो है इन्होंने एक अच्छा सा एक बैठक सी बनाई है, वहाँ पे चेस वग़ैरह जो है वो लोग खेल रहे हैं, वहाँ पर 5-6 बेंचेस लगाई हुई हैं, लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आके या साथ में जो है वो आदमी वगैरह आके यहाँ पर खेल रहे थे। और एक बड़े बड़े से जो है ना एक सेंटर में इन्होंने बनाया है, वहाँ पे भी एक बच्चा जो है वो अपने अपने फादर के साथ ये चेस खेल रहा था। और उसके अलावा साइडों पे बेंचेस लगी थी, वहाँ फैमिलीज़ के साथ अपने बैठे हुए कोई लूडो खेल रहा था, कोई चेस खेल रहा था, मतलब एक दो घंटे एक अच्छे से तफरी का जो है एक समा बनाया हुआ था कि लोग आएँ और इंजॉय करें। लेकिन जो है वो बस ये था कि यहाँ पर आदमी ज़्यादा थे और फैमिलीज़ ज़्यादा, फैमिलीज़ के लिए इतनी वो नहीं थी, प्रोटेक्शन नहीं थी, और बस अच्छी अच्छी जगह थी लेकिन वो आदमियों के लिए ज़्यादा थी। तो मैंने कहा चलो जी देख कर आएँ, और बहुत जो है वो इसका बड़े चर्चे हो रहे थे और सोशल मीडिया पे बड़ा दिखाया जा रहा था, मैंने कहा चले हम भी देख कर आएँ, एक्सप्लोर करके आएँ ये कि क्या बना हुआ है, कैसा है। तो अच्छा था, सब लोग तस्वीरें वगैरह भी ले रहे थे, सब खिंचवा रहे थे, और मैंने भी अपने रियान की इन लोगों की तस्वीरें वगैरह लीं, और अच्छा लग रहा था देख कर के।
इस तरह की हमारे कराची को जो है ना वो अच्छे तरीके से करा जा रहा है और बस इसको मेंटेन रखना है। अल्लाह करे ये मेंटेन रहे और इसी तरह जो है वो रहे, वरना लोग क्या करते हैं थोड़े दिन के बाद इसकी ख्याल रखना छोड़ देते हैं और बहुत ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह जो है ना ये मेंटेन रहे इंशाल्लाह। इसकी इनॉग्रेशन जो है वो हमारे न्यू कमिश्नर जो है उन्होंने की थी और इसका चेस अरीना के नाम से इसको जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है और बोर्ड गेम वगैरह और भी हैं इसमें। तो अच्छी कोशिश है और अल्लाह करे ये कोशिशें और भी चलती रहें और इसी तरह ये कायम दायम रहे और आगे भी ऐसे और ज़्यादा, ताकि एंटरटेनमेंट के लिए जो है वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ये जगहें हमें प्लेसेस वगैरह मिलती रहें ताकि लोग जो है ना इंजॉय करने के लिए आ सके। तो जी देखिए आपने वीडियो, आई होप जो है वो आपको पसंद आई होगी। हमने भी कल जो है वो बहुत इंजॉय किया था अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया। अम्मी के साथ जो है हम फर्स्ट टाइम बाहर निकले, वैसे तो हम जा ही रहे थे लेकिन दिल जो था वो बहुत होता था। मुझे कहीं शादी में जाना होता था, कहीं जाना, मैं अम्मी से कहती थी नहीं अम्मी मैं नहीं जा रही, लेकिन अम्मी कहती नहीं बेटा जाओ, जाना तो है, दुनियादारी है, निभाना है, सब करना है। तो अम्मी मुझे ज़बरदस्ती भेजती थी। तो बस यही था कि कल अम्मी के साथ जाके बहुत अच्छा लगा, वीडियो बनाई और खाला ने हमारी दावत करी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। इससे पहले जो है वो अम्मी जब आई थी तो मेरे घर पर आई थी और वीडियो में आपने देखा होगा, तो बस छोटा सा व्लॉग था। और उसके अलावा ये भी बताना ज़रूरी था कि अम्मी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इद्दत से निकल गए। और जिनको नहीं पता, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरे देखने वाले जो हैं नॉन मुस्लिम हैं, अब तो पाकिस्तान के अलावा भी बाहर मेरी वीडियोस देखी जा रही हैं जैसे मैंने आपको बताया, तो उनको बताना भी ज़रूरी है कि इद्दत होती क्या है। इद्दत जो है वो आपने मेरे ब्लॉग्स पहले के जो देखे होंगे उसमें मेरे अब्बू थे मेरे साथ और बहुत बीमार चल रहे थे, वो मैंने सब चीज़ें जो हैं आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी, बताई थी किस तरह अब्बू हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, किस तरह क्या हुआ था, सब आपके सामने है। इंतकाल का भी है, वो तो इंतकाल हो चुका था, उसके बाद अम्मी इद्दत में थी। तो इद्दत का मतलब यही होता है कि इंतकाल हो गया था मेरे अब्बू का और जो है उनके लिए इद्दत की जाती है और 4 महीने 10 दिन और अम्मी घर पर ही थी। तो अल्लाह का शुक्र है अम्मी ने बहुत अच्छे तरीके से गुजारी है। बाकी मैं कोई इतनी बहुत ज़्यादा आलिम फाजिल नहीं हूँ और अगर जिसको मालूम करना हो या जिसको इस बारे में समझना है तो वो सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत वीडियोस पड़ी हुई हैं कि ये क्या होती है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन जितना मुझे पता था और जितना है मुझे इल्म तो वो मैंने आपको बता दिया कि 4 महीने 10 दिन अम्मी का नहीं निकली थी घर से बाहर और जो है वो मतलब जो है वो इसका सवाब बहुत जो है मिलता है, यानी कि उनके शोहर को, मेरे अब्बू को बहुत मिला होगा इसका सवाब। तो बस इस चीज़ के लिए की गई थी और जो है वो अब अम्मी इसको फिर हमने अच्छे से, क्योंकि हमारे जब हम छोटे थे और हमारे माँ बाप हमारे लिए बहुत करते थे कि कोई हमें कपड़े बना रहे हैं, हमारी फरमाइशें पूरी कर रहे हैं, हर चीज़ पूरी कर रहे हैं, तो हमें भी इसी तरह चाहिए कि हम भी अपने माँ बाप की बातें माने, कहना माने और उनको इसी तरह जो है वो रखें, उनका दिल खुश करके रखें ताकि जो है वो उनको भी एहसास ना हो इस बात का कि देखें हमें जो है कोई ऐसे देखने वाला या ना हो, ना अल्लाह ना करे ऐसे कोई वो नहीं है। लेकिन जो है माँ बाप का, हर माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, सबके माँ बाप एक जैसे, और अल्लाह पाक अब मेरी अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती दे, खुशहाल रखे, अल्लाह पाक उनका साया हम पे सलामत रखे। तो कल की जो है वो मुझे बहुत मज़ा आया और अम्मी के साथ इंजॉय करके आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह इंजॉय करेंगे मेरा व्लॉग देखकर। और अगर कोई चीज़ जो है वो मिस्टेक हो गई हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा, अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके सामने जो है वो मैं शेयर करती रहूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको मिल सके। और थैंक यू सो मच और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।